कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 एंड क्वेश्चन नंबर 6. इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या गिवन है. लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन. स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है ऑन एन, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स गिवन बाय. स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन, दैट इज सेट ऑफ natural numbers, right? Given by A star B is equal to LCM. We all know what is LCM. LCM means the least common multiple of A and B. इस तरह से define किया गया है हमारा binary operation star. And आगे देखते हैं हमें क्या बताना है. Find. We have to find. क्या find करना है? सबसे पहले first part है फाइंड 5 star 7. 5 star 7 की वैल्यू निकालनी है एंड 20 star 16. 20 star 16. सबसे पहले 5 star 7 का मतलब है LCM ऑफ 5 and 7. क्या मतलब है LCM? यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 and 7. और ये हम छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं कि हम LCM और HCF कैसे फाइंड करते हैं, राइट? तो ये आपको आता होगा डेफिनेटली. तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? अगर ये दोनों प्राइम नंबर्स है तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5 7 ज़ 35. सो आर एलसीएम इज 35 हियर. यहाँ पर 20 और 16 का एलसीएम निकालना है, राइट? एलसीएम आप सिंपली निकाल सकते हैं इस तरह से. सबसे पहले 2 10 8 अगेन 2 5 4 देन 2 5 2. वी हैव अगेन 2 and 5. सो ये मैंने निकाल लिया. इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं, राइट? अब छोटी क्लासेस से निकालते आ रहे हैं तो आपको ये डेफिनेटली आता ही होगा, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली एलसीएम निकाल लीजिए तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 5 20 और 16 का. कितना आ जाएगा? ये जो सारे प्राइम नंबर्स आए हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारे पास आ गया 5 2 ज़ 10, 2 2 ज़ 4 2 ज़ 8 80. यहाँ पर क्या आ गया एलसीएम? हमारे पास आ गया 80. तो ये फर्स्ट पार्ट था. इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. इज स्टार कम्यूटेटिव? क्या जो हमारा स्टार है वो कम्यूटेटिव है? कम्यूटेटिविटी हमें पता है हम कैसे शो करते हैं. अब कम्यूटेटिव प्रूव करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? क्या प्रूव करना है हमें? कम्यूटेटिव है या नहीं ये देखना है, हमें चेक करना है. कम्यूटेटिविटी चेक करने के लिए सबसे पहले ए स्टार बी इज इक्वल टू एल सी एम ऑफ ए एंड बी, राइट? अब हम देखेंगे बी स्टार ए. बी स्टार ए इज इक्वल टू एल सी एम ऑफ बी एंड ए. अब हम बात कर रहे हैं, एक बात बताइए, अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ क्या कोई डिफरेंस आया है? कोई डिफरेंस नहीं आया है. क्यों नहीं आया है? बिकॉज ए और बी का एल सी एम अगर मैं फाइंड आउट करूं या फिर मैं बी और ए का एलसीएम फाइंड आउट करूं, बोथ आर द सेम थिंग. ऑर्डर चेंज करने से एलसीएम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट मींस ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, राइट? हमारे पास क्या आ गया कि ए स्टार बी इक्वल है बी स्टार ए के. यानी कि ये क्या है? यस, इट इज कम्यूटेटिव. ये हमारा कम्यूटेटिव हो गया. अब इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. इज स्टार एसोसिएटिव? यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है अबाउट एसोसिएटिविटी कि क्या हमारा जो स्टार है वो एसोसिएटिव है. एसोसिएटिव, अब एसोसिएटिव चेक करने के लिए फिर से हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती थी? ए स्टार बी स्टार सी शुड बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, राइट? अब चाहे मैं दो एलिमेंट्स का निकालूं एलसीएम या फिर मैं 3 एलिमेंट्स का निकालूं, उनमें अगर उनके ऑर्डर्स हम कुछ चेंज भी करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो इसका मतलब अगर मैं इन तीनों का एलसीएम पहले 2 का निकालूं और फिर साथ में सी कंबाइन करूं एलसीएम के लिए, या फिर मैं पहले बी और सी का एलसीएम फाइंड आउट करूँ और उसके बाद ए के साथ एलसीएम फाइंड आउट करूँ, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. दैट मीन्स यस, इट इज़ एसोसिएटिव. क्या आ गया हमारे पास? कि ये एसोसिएटिव है, राइट?
आगे देखते हैं, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अबाउट आइडेंटिटी. हमने प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था अबाउट आइडेंटिटी ऑल्सो. तो हमें स्टार की आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है. फाइंड आइडेंटिटी मतलब अंडर दिस ऑपरेशन, राइट. अब आइडेंटिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? आइडेंटिटी के लिए एक कंडीशन होती थी, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए, राइट. यहाँ पर ये जो ई है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ई रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी आइडेंटिटी को. तो हमें एक कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है. सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की, राइट. तो मैं एन यानी कि कोई नेचुरल नंबर लूँगी. लेट अस टेक थ्री, एनी नेचुरल नंबर, राइट. थ्री स्टार डैश यानी कि अब डैश यहाँ पर क्या ले सकते हैं? आंसर में हमारा थ्री आना चाहिए. क्या आना चाहिए? ए ही आंसर में आना चाहिए यानी कि थ्री ही आना चाहिए. तो मैं थ्री का एलसीएम कौन से ऐसे एलिमेंट के साथ लूँ? एलसीएम की बात कर रहे हैं ना यहाँ, यस. कौन से ऐसे एलिमेंट के साथ लूँ कि मेरे पास आंसर में थ्री ही आ जाए? तो आई विल टेक वन. थ्री और वन का अगर एलसीएम लेंगे हमेशा बड़ा नंबर आएगा, थ्री आएगा, आंसर थ्री आ जाएगा. और इसी तरह से मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ कि वन स्टार थ्री. वन और थ्री का एलसीएम लोगे तो भी थ्री आएगा. अभी बताया था कॉम्यूटेटिव है, राइट. सिमिलरली चलिए कोई और नंबर ले लीजिए, 15 ले लेते हैं. 15, यस. स्टार समथिंग शुड बी इक्वल टू 15. फिर से मैंने देखा कि अगर मैं 1 के साथ एलसीएम लूँ 15 का तो आंसर 15 आएगा. मैंने फिर से ले लिया 1 के साथ. और यहाँ ये भी लिख सकती हूँ मैं, राइट. इसी तरह से आप कोई भी नंबर लेंगे नेचुरल नंबर, तो आप देखेंगे कि अगर एलसीएम फाइंड आउट करना है और मैं सेकेंड नंबर यहाँ पर 1 ले लूँ तो हमेशा आंसर जो है वो ये ए आ जाएगा. यहाँ पर 3 था, 3 आ गया. 15 था, 15 आ गया. इसी तरह से और भी आप और भी कुछ नंबर्स लेकर ट्राई कर सकते हैं, राइट. हमने देखा दिस इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू 1. तो हमारी आइडेंटिटी क्या हो गई फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन? आइडेंटिटी इज 1. दिस इज योर आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन. इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. फाइंड द आइडेंटिटी हो गया. अब फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में व्हाट वी हैव टू फाइंड इज, देखते हैं क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है इन द क्वेश्चन. तो वी हैव फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. विच एलिमेंट्स ऑफ एन आर इनवर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार? विच एलिमेंट्स ऑफ एन आर इनवर्टिबल? अभी हमने बात की किसकी? हमने बात की अभी अभी जस्ट आइडेंटिटी की. अब बात कर रहे हैं इनवर्टिबल, कौन से एलिमेंट्स इनवर्टिबल हैं फॉर द ऑपरेशन स्टार, ठीक है. फॉर द ऑपरेशन स्टार, स्टार के लिए. अब कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं नेचुरल नंबर्स के सेट में जिनका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है? इनवर्स एग्जिस्ट करना मतलब इनवर्टिबल होना, राइट. तो इनवर्स की डेफिनेशन पे आ जाते हैं. इनवर्स की डेफिनेशन थी ए स्टार बी इज इक्वल टू ई एंड बी स्टार ए आल्सो इक्वल्स टू ई. अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ जो ये बी लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा? ए का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पर हम माइनस वन यहाँ नहीं लगाते हैं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसा साउंड कर रहा है. तो लिखेंगे इनवर्स ऑफ ए जो है वो बी हो जाएगा. अगर जब मैं ए से उस इनवर्स के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं तो मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए. आइडेंटिटी क्या थी? मैंने अभी बताया इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी क्या है, वन है, ठीक है. वन बताया, राइट. तो हमारे पास क्या होना चाहिए? ए स्टार बी, ये जो बी है ये हमें निकालना है, शुड बी इक्वल टू वन, ठीक है. अब ये कह रहा है कि कितने ऐसे एलिमेंट्स होंगे नेचुरल नंबर्स के सेट में जिनके लिए कोई ना कोई इनवर्स एग्जिस्ट करता हो. अगर मैं यहाँ कहूँ कि 5, स्टार का मतलब एलसीएम, यहाँ पर मैं कोई ऐसा नंबर रख सकती हूँ जिससे आंसर में 1 आ जाए? हमें पता है एलसीएम जो है, जो दो नंबर्स होते हैं जिन दो का एलसीएम फाइंड आउट करना होता है, उन दोनों से या तो बड़ा हो सकता है या फिर जो इन दोनों में से बड़ा नंबर है उसके इक्वल हो सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक है.
अब यहाँ पर 5 है, हो सकता है यहाँ पे इससे छोटा नंबर ले लूँ, मैं 1 ले सकती हूँ. अगर मैं 1 ले लूँ तो हमारे पास एलसीएम 5 आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहा. लेकिन जो हमारा आंसर है ना, एलसीएम जब मैं लूँगी इन कोई दो नंबर्स का, तो आंसर 5 या उससे बड़ा आना चाहिए. ठीक है, तो 5 से छोटा तो हो ही नहीं सकता. तो यहाँ पर 5 से छोटा 1 आ रहा है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है. अब मैं देखूँ अगर 1 का, 1 के साथ अगर मैं 1 ले लूँ, 1 का एलसीएम मैंने ले लिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. राइट, अगर 1 का मैंने यहाँ पर 1 के साथ एलसीएम लिया, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. राइट, ये क्या है मेरी, ये तो आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ई को, और ये यहाँ पर इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. किसको, इनवर्स. तो इसका मतलब 1 का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, 1 का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. तो इसका मतलब विच एलिमेंट्स ऑफ एन आर इन्वर्टिबल, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1 ओनली. सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, 1 है, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अंडर दिस ऑपरेशन, इस बाइनरी ऑपरेशन में. ठीक है, वो कौन सा एलिमेंट है, वो है 1. और बेसिकली हमने ये देखा कि एलसीएम जब कोई बाइनरी ऑपरेशन है, तो वो कम्यूटेटिव भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा, और उसके लिए एक आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी, दैट इज़ 1. आइडेंटिटी हमने देख ली. उसके बाद हमने देखा कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनके लिए हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. राइट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6. सर इतना ही.